वेलकम स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डाउट 4 सिंप्लीफिकेशन और रिड्यूसिंग। सिंप्लीफिकेशन और रिड्यूसिंग से रिलेटेड कुछ प्रूव करने वाले सवाल होते हैं, उन सब प्रश्नों की बात इसमें हम लोग करने वाले हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन लिया है मैंने, 18 से लेकर के 22 तक। एक है 2 tan inverse अंडर रूट a माइनस बी बाई ए प्लस बी टेन थीटा बाई 2 बराबर कोस इनवर्स, इतना प्रूव करने के लिए। दूसरा 3 tan inverse का जोड़ अगर पाई बाई 2 है तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 1। और वैसे ही तीसरा, यानी कि यहाँ 20वां डाउट की श्रृंखला जो है उसमें अब तक मैं 17 प्रश्न आपको बता चुका। 17 प्रश्न के बाद आगे वाले 5 प्रश्न में अगली कड़ी है 20 टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई प्लस टेन वर्स जेड इजिकल टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू एक्स वाई जेड। और 21वां इफ साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इजिकल टू पाई बाई 2 देन प्रूव दैट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1। इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इजिकल टू पाई बाई 2 देन प्रूव दैट एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 2 tan inverse अंडर रूट ए माइनस बी बटा ए प्लस बी टेन थीटा बाई 2 बराबर कॉस इनवर्स। देखिए यहाँ इस तरफ 2 tan inverse है और इधर कॉस इनवर्स है। याद होगा आपको 2 tan inverse का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है? ऐसा 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में और एक टैन इनवर्स में। तो ये फॉर्मूला तो पक्का यूज होगा क्योंकि 2 tan inverse को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना। अब दूसरी समस्या आती है कि इस तरफ जो है सिर्फ टैन है, टैन इनवर्स के साथ टैन है, टैन थीटा बाई 2, जबकि यहाँ कॉस इनवर्स के साथ कॉस है, तो समस्या यहाँ आएगी। तो ये कॉस या तो इस टैन में बदलना पड़ेगा या ये टैन उस कॉस में बदलना पड़ेगा। तो कॉस का फॉर्मूला, यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ टैन थीटा बाई 2 है, कॉस थीटा का टैन थीटा बाई 2 में फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रोसेस को हम लोग इन्हीं दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। जैसे LHS क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 2 tan inverse क्वेश्चन अंडर रूट, क्वेश्चन मैंने लिखा एक तरह से 2 tan inverse एक्स है इतना, तो 2 tan inverse एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब टैन इनवर्स के साथ जो है ना 1 माइनस उसी का स्क्वायर, अब बटा में फिर 1 प्लस उसी का स्क्वायर, तो 2 tan inverse के साथ इतना है एक्स की जगह पर। तो इस टैन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो 1 माइनस पूरा इतना का स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस बी बटा ए प्लस बी टैन थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यही फंसता है लोगों का। 2 tan inverse एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब टैन इनवर्स के साथ जो है उसका स्क्वायर 1 माइनस, तो 1 माइनस उसका स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस फिर उसी का स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी टेन थीटा बाई 2 का स्क्वायर। जो लोग नहीं समझे उनके लिए, अगर ये 2 tan inverse वाई रहता तो बिल्कुल उसी तरह से कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जो यहाँ है वही एक बार 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर बटा में। अगर 2 tan inverse डब्लू प्लस वाई रहता तो कोस इनवर्स 1 माइनस डब्लू प्लस वाई का स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस डब्लू प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब जो है उसी का। तो देखते हैं फिर, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी इंटू टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, 1 माइनस टैन स्क्वायर और फिर 1 बाई 1 प्लस ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी टैन स्क्वायर थीटा बाई 2।
फिर कॉस इनवर्स एलसीएम लिए, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो एक मैंने रखा और यहाँ बटा में ए प्लस बी है, एलसीएम मैंने लिया तो अब एक से इसमें भाग देंगे, भागफल पूरा का पूरा यही आएगा और इससे फिर अंश में एक से गुणा करेंगे तो ए प्लस बी एज यूजुअल ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे में भी फिर उसी तरह से ए प्लस बी ये और ये कैंसिल हुआ, इस प्रकार से ये इतना हुआ। लेकिन हमको कॉस इनवर्स के साथ कॉस चाहिए, यहाँ कॉस इनवर्स के साथ टैन है तो या तो इस टैन को कॉस में बदलेंगे या फिर कॉस को टैन में बदलेंगे। कॉस को टैन में बदलने चलेंगे तो ये फॉर्मूला, मगर ज़रूरी नहीं है, कॉस में भी बदल सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा बाई टू इसी को कन्वर्ट करके उल्टा जब हम लोग करेंगे तो टैन वर्स थीटा बाई टू बराबर होगा वन माइनस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, ध्यान दे रहे हैं टैन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर वन माइनस कॉस बाई वन प्लस कॉस होता है। तो अगर हम एलएचएस से आरएचएस लाना चाहते हैं तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बाई टू की जगह ये फॉर्मूला रखना होगा, या अब अगर हम चाहते हैं आरएचएस को ही कन्वर्ट करना टेन स्क्वायर में तो इसमें जो कोस्टा है कोस्टा का ये फॉर्मूला उसमें रखना पड़ेगा। दोनों से लगभग बराबर मेहनत है, आप दोनों तरीका से देख सकते हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ एलएचएस से आरएचएस पे जा रहा हूँ, इसमें फिर मैं टेन स्क्वायर थीटा के बदले ये वाला फॉर्मूला आपका लिख रहा हूँ। फिर तो ये हुआ आपका कॉस इनवर्स ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, और टेन स्क्वायर थीटा बाई टू के बदले वन माइनस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, और वैसे ही यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी वन माइनस कॉस थीटा बदले में वन प्लस कॉस थीटा। फिर तो कॉस इनवर्स टूटेगा नहीं, तोड़ने से पहले यहाँ फिर बटे का रूप आ रहा है, एलसीएम लेंगे वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ बटा में वन प्लस कॉस थीटा है, यहाँ बटा में कुछ नहीं एक है, एक से भाग देंगे भागफल पूरा ये आएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ए प्लस बी वन प्लस कॉस थीटा, और ये ए माइनस बी ऊपर ये वाला जस का तस वन माइनस कॉस थीटा, यही प्रोसेस सेम है नीचे वन प्लस कॉस थीटा, और फिर ए प्लस बी वन प्लस कॉस थीटा, वीडियो आ रहा है ना, प्लस ए माइनस बी माइनस कोस्टा, वन प्लस कोस्टा कैंसिल हुआ दोनों जगह से, अब जो बचा उसके आगे कोस इनवर्स, ये कोस्टक तोड़ रहे हैं, ए से गुणा हुआ बी से गुणा हुआ, ए प्लस ए कोस थीटा बी प्लस बी कोस थीटा, फिर माइनस ए प्लस ए कॉस थीटा, और फिर देखिए यहाँ ए से गुणा किए और साथ ही साथ माइनस से भी, तो चिन्ह भी बदलेगा, अब माइनस से माइनस बी में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और तब बी से दोनों में गुणा हुआ तो प्लस बी माइनस बी कॉस थीटा, और वही प्रोसेस नीचे भी करेंगे, पहले ए से एक बार ए प्लस ए कॉस थीटा बी प्लस बी कॉस थीटा, और फिर ऐसे ए माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी प्लस बी कॉस थीटा। कैलकुलेशन देखिए आप लोग, ऊपर में ए कॉस थीटा प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका, एक सेकेंड पॉज, सॉरी ए से ए कैंसिल हुआ, बी कोस्टा प्लस में है बी कोस्टा माइनस में है कैंसिल हुआ, नीचे में ए कोस्टा प्लस में है और ए कोस्टा माइनस में है कैंसिल हुआ, बी माइनस में है बी प्लस में है कैंसिल हुआ, तो फिर कॉस इनवर्स
ए कॉस थीटा दो बार, टू ए कॉस थीटा, बी भी दो बार, टू बी, नीचे में ए दो बार, टू ए, और बी कॉस थीटा दो बार, टू बी कॉस थीटा बराबर कॉस इनवर्स टू कॉमन, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, कैंसिल हो जाएगा फिर तो, टू ऊपर में कॉमन होगा तो होगा ए कॉस थीटा प्लस बी जो कि हमें चाहिए था, नीचे में टू कॉमन होगा ए प्लस बी कॉस थीटा, यही हम लोग को चाहिए था, टू टू कैंसिल हुआ और यही प्रूव करना था, आरएचएस हो गया आप लोग का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में यदि टैन वर्स एक्स प्लस टैन वर्स वाई प्लस टैन वर्स जेड बराबर पाई बाई टू, तो हमें प्रूव करना है कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू वन। नो डाउट इनवर्स वाला डेटा दिया गया है और जो प्रूव करना है वो अल्जेब्रिक डेटा है, इसमें इनवर्स नहीं है, तो मतलब इनवर्स वाले डेटा को ही अल्जेब्रिक डेटा बनाना है, मतलब इनवर्स हटाना है, इनवर्स फॉर्म हटाना है, तो जो दिया गया है वो डेटा मैंने यहाँ लिखा और हमें इनवर्स का डेटा हटाना है, तो ऐसा करना होगा कि इधर भी इनवर्स हो और उधर भी इनवर्स हो और सेम इनवर्स हो, फिर दोनों को हम लोग हटा लेंगे। तो यहाँ पर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन वर्स वाई, ये दो टैन वर्स बचाया जाए, तीसरा वाला टैन वर्स उधर भेजा जाए पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स जेड, फिर तो याद होगा टैन वर्स एक्स प्लस टैन वर्स वाई होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई, और इधर पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स कॉट इनवर्स होता है, याद है, एक्चुअली टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू, याद तो होगा ये फॉर्मूला, इसी में टैन इनवर्स उधर ले जाइए, ये फॉर्मूला है आपका, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू घटा टैन इनवर्स एक्स, तो ये फॉर्मूला है कि पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स एक्स, याद रखिए पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स, और पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स बराबर टैन इनवर्स, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स था, कॉट इनवर्स हो गया। अब दोनों तरफ सेम इनवर्स हमें चाहिए, मतलब इधर टैन इनवर्स तो उधर टैन इनवर्स, तो कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में बदलेंगे टैन इनवर्स वन बाई जेड, फिर दोनों तरफ से टैन इनवर्स हट गया, तो फिर एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू वन बाई जेड। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इधर से इससे उधर गुणा, इधर से इधर गुणा, तो जेड मल्टीप्लाई हुआ है एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई भी इधर आया, और सजा दीजिए तीनों इधर ही आ गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वन, ये प्रूफ हुआ हम लोग का 19 नंबर। 20 नंबर में, 20 नंबर में ऐसा है कि ठीक यही क्वेश्चन है जहाँ टैन वर्स एक्स प्लस टैन वर्स वाई प्लस टैन वर्स जेड बराबर पाई बाई टू है, वहाँ अब दिया है देख रहे हैं आप टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, सीधे में 20 नंबर का प्रूफ लिख रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन में तीनों टैन इनवर्स का जोड़ था पाई बाई टू, और इस क्वेश्चन में है तीनों टैन इनवर्स का जोड़ बराबर पाई, उसमें सिद्ध करना था वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई, यहां सिद्ध करना है हमको 20 नंबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, मामला वही है, अंतर बस वहां ये है कि पाई बाई टू होने के चलते दूसरा तरह का डेटा मिला, यहाँ पाई होने के चलते अलग डेटा मिलेगा, तो यहाँ भी टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस टैन इनवर्स जेड लिख सकते हैं ना, फिर टैन इनवर्स प्लस टैन इनवर्स सेम प्रोसेस एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई, मगर पाई माइनस टैन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें था पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स, मगर पाई माइनस टैन इनवर्स नहीं होता है, तो ये इसी रहने देंगे, ऐसी रहने देंगे। अब दूसरा उपाय बचता है पाई माइनस टैन इनवर्स जेड जो कहते हैं, उधर से टैन इनवर्स इधर आएगा तो एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई बराबर टैन पाई माइनस टैन इनवर्स जेड,
ये हुआ। याद होगा आप लोगों को, और नहीं याद होगा तो फिर से देखिए, यहाँ तक का एंगल होता है पाई, पाई माइनस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का कोण। पाई माइनस थीटा के लिए टीएफ नहीं चेंज होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चिन्ह बदलता है साइन और कोसेक को छोड़कर सबका। मेरे कहने का मतलब कि टैन पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन थीटा, यही साइन कोसेक रहता तो ऐसा नहीं होता। तो वही ना सिचुएशन यहाँ भी है, टैन पाई माइनस थीटा है, एक तरह से थीटा है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि थीटा है तो थोड़ी देर के लिए, आप इतना तो जानते ही हैं कि हर एक इनवर्स कोई ना कोई एंगल लेता है, तो टैन इनवर्स को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए, टैन उधर जाएगा, जेड बराबर टैन थीटा। अगर आपको कठिनाई हो रही है तो टैन पाई माइनस थीटा, और टैन पाई माइनस थीटा हो गया माइनस टैन थीटा, और टैन थीटा जेड है ये है तो माइनस जेड, बटा में कुछ नहीं वन, और इस तरफ एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई बराबर माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए वही होगा जो आपको ज़रूरत है ना। अब वैसे क्रॉस होगा एक्स प्लस वाई मतलब इधर इधर और इधर इधर बराबर माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड, और जेड उधर गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। प्रूव हुआ, प्रूव हो गया, ये आपका 20 नंबर हो गया। अब आइए 21 नंबर की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई बराबर पाई बाई टू है, हम लोग को प्रूव करना है इतना बराबर वन। सेम चीज जैसे टैन वर्स वाला में था वैसे ही इसी को लेकर चलेंगे, साइन वर्स प्लस साइन वर्स, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला है एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो फिर से एक बार देख लीजिए, कभी भी दो साइन वर्स ऐड करना हो, कभी भी दो साइन वर्स ऐड करना हो तो दो साइन वर्स मिल करके एक साइन वर्स होता है, और दोनों के साथ वाला नंबर प्लस में लिखते हैं, पहले वाले नंबर के साथ दूसरा वाला रूट में स्क्वायर, और दूसरे वाले नंबर के साथ पहला वाला स्क्वायर। तो यहाँ भी साइन वर्स जो दोनों का नंबर है वो प्लस में, अब पहले वाले नंबर के साथ दूसरा वाला रूट में स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा वाला भी नंबर लिखे उसके साथ पहला वाला। तो याद रखिएगा साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई होता है साइन वर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई टू है। साइन वर्स उधर गया तो एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू का मान तो वन होता ही है। प्रूव्ड। अब 22वां ऐसा ही क्वेश्चन कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर है पाई बाई टू, तो अब की कह रहा है प्रूव करने के लिए कि एक्स वाई माइनस अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो लाना। तो इसी में खुद सोचिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, फॉर्मूला ही है माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अब बराबर पाई बाई टू। अब ये कोस उधर जाएगा तो एक्स वाई माइनस दो अलग अलग रूट है एक ही रूट में गुणा में है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर एक दोनों को एक ही रूट में लिख देते हैं गुणा में अंडर रूट ए, जैसे रूट ए गुणा रूट बी हो जाता है रूट में ए बी उसी आधार पर है, तो रूट गुना रूट है तो एक ही रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर कॉस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू का मान जीरो हुआ, ये हम लोग का प्रूफ हो गया 22 नंबर। थैंक यू ऑल।